गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने 12th क्लास कॉमर्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट BST। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, महत्व। मैनेजमेंट का क्या महत्व है, मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। एक मैनेजर के लिए मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, एक फर्म के लिए मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आज हम इस टॉपिक में हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। अगर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, और यूनिवर्सल का मतलब है जो सभी जगह पर विद्यमान है, जो सभी जगह पर पाई जाती है। और मैनेजमेंट की एक्टिविटी सभी जगह पर मौजूद है, तो जो चीज़ सभी जगह पर मौजूद है तो उसकी महत्वता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आइए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत में समझते हैं, विस्तार से इस पढ़ते हैं कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। तो एक फॉर्मूला है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। दुनिया की किसी भी एक्टिविटी में से अगर हम मैनेजमेंट को निकाल देते हैं तो हमारे पास केवल शून्य बचता है, केवल जीरो बचता है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि मैनेजमेंट ही वह कार्य है जो हमें संसाधनों का उपयोग करना सिखाता है, संसाधनों का उपयोग करना सिखाता है। क्लियर? अच्छा, हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है, इसकी इम्पोर्टेंस को हम जब पढ़ेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस को दो भागों में पढ़ना होगा। नंबर एक, आपको पता है आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अगर हम पुराने ज़माने के आज से 20, 25, 30 या 50 साल पहले के बिजनेस को देखते हैं, तब का बिजनेस अलग था, आज का बिजनेस अलग है। बिजनेस बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो मैनेजमेंट भी बदल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। व्यवसाय में परिवर्तन हो रहा है तो मैनेजमेंट में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम इस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को दो भागों में देखेंगे। सबसे पहला जो हम भाग देखेंगे वो देखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ LPG। बच्चों, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, जो आपने 10th क्लास में साइंस में पढ़ा था। यहां पर LPG है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG यहां पर जो है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। LPG दूसरा जो हम इसको पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मैनेजमेंट आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बिजनेस एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो आज हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट को हम दो भागों में देख के पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं दो भागों में। नंबर वन, एज ए रिजल्ट ऑफ LPG। LPG के बाद में मतलब 1991 में आपके LPG इंडिया में आ गया था, 1992 से LPG इंडिया में लागू हो गया था। हाँ, तो LPG के बाद मैनेजमेंट में, बिजनेस में क्या बदलाव आया, ठीक है, और बात कर रहे हैं। और उससे पहले क्या था मैनेजमेंट, उससे पहले क्या था, उससे पहले बिजनेस क्या था, और LPG के बाद में क्या बदलाव आया। एक तो इम्पोर्टेंस हम ये पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज बिजनेस। पहले का बिजनेस छोटा होता था, लोकल लेवल पे जाना जाता था, गली मोहल्ले सिटी तक सीमित था। आज का बिजनेस वर्ल्ड वाइड हो चुका है, विश्व स्तरीय वैश्विक बिजनेस बन चुका है। तो जब बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बिजनेस हो चुका है तो मैनेजमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस दो वे में पढ़ेंगे, नंबर वन एज ए रिजल्ट ऑफ LPG, नंबर टू कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ LPG। रिजल्ट ऑफ
एलपीजी। रिजल्ट ऑफ एलपीजी, फिर दोबारा बोल रहा हूं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, हम इसके पहले क्या इफेक्ट हुआ और बाद में क्या इफेक्ट हुआ, इसकी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हाँ, बिफोर ये, बिफोर ये आफ्टर, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ था उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले मैनेजमेंट की कंडीशन कैसी थी, उससे पहले बिजनेस कंडीशन कैसी थी, और इसके लागू होने के बाद बिजनेस की कंडीशन कैसी हुई। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एलपीजी क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एलपीजी का, कि 1991 में 1991 में हमारी आर्थिक नीतियों में कुछ बदलाव किए गए। वो बदलाव इसलिए किए गए थे ताकि हम वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व की जो दूसरी अर्थव्यवस्था है, विश्व के अन्य देश हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला सके। क्योंकि 1991 से पहले का जो दशक था, 1991 से पहले का जो कुछ समय था, उस समय में हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी। उस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमें लिबरलाइज, प्राइवेटलाइज और ग्लोबलाइज होना जरूरी था। इसलिए 1991 में जो कुछ परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को नाम दिया गया एलपीजी। तीन तरह के परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो पहले नियम जो बने हुए थे, जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो पहले सिस्टम बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा लीनियंटनेस, उसमें थोड़ी उदार प्रवृत्ति, मतलब उसमें नियमों को थोड़ा ढीला छोड़ना या ढील देना। उसके बाद में दूसरा है प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटलाइजेशन का मतलब है जो उद्योग धंधे पहले गवर्नमेंट के पास में थे, उन गवर्नमेंट सेक्टर को, उस गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तो वो कहलाया प्राइवेटलाइजेशन। ताकि जो पहले केवल गवर्नमेंट कंपनीज ही जिसमें, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें काम कर सकता है, उस सेक्टर को प्राइवेट लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पहले आपका जो देश है भारत, इसमें विदेशी कंपनियां, फॉरेन कंपनियां आकर के कारोबार यहां पर स्थापित नहीं कर सकती थी, लेकिन 1991 में इस नियम में चेंज किया गया, बदलाव किया गया, और फॉरेन की जो कंपनियां हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो बिजनेस सेक्टर है, वो भारत में आकर के स्थापित हो सकता है और यहां पर आकर कारोबार कर सकता है। तो ये बदलाव किए गए थे 1991 में। तो अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कि एलपीजी का इफेक्ट जो है उससे पहले मैनेजमेंट कैसा था, उसके बाद मैनेजमेंट कैसा हुआ। सबसे पहले बिंदु है नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट, ये हम बेस की बात कर रहे हैं, किस बेस पे बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो देखो, पहले जो नेचर ऑफ मार्केट था वो था, नेचर ऑफ मार्केट जो पहले था वो था सेलर बेस। सेलर बेस का मतलब है कि पहले विक्रेता सर्वे सर्वा था, पहले विक्रेता की चलती थी, विक्रेता ही सब कुछ होता था, विक्रेता अपनी मन मर्जी चलाता था, लेना हो तो ले वरना आगे जा। लेकिन 1991 के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ, मार्केट में बदलाव आया, और मार्केट में ये बदलाव आया कि जो सेलर मार्केट था, वो सेलर मार्केट बायर मार्केट में बदल गया। मतलब पहले जो राइट्स सेलर के पास में थे, अब वो राइट्स किसके पास में आ चुके थे, बायर के पास में आ चुके थे, क्रेता के पास में आ चुका था। पहले विक्रेता प्रधान था, अब क्रेता प्रधान बाजार हो गया। दूसरी की अगर हम बात करें
सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड है कॉम्पिटिशन, बच्चों कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में पहले मोनोपोली थी, और यहां पर आ गया फुल कंपटीशन। मोनोपोली क्या होती है, जब उत्पादन के साधनों पर बात करें कि जब किसी चीज पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, या ऐसे कहें कि सेलर एक और परचेजर या बायर अनेक हो, ऐसी कंडीशन जिसमें सेलर कम होते हैं और बायर ज़्यादा होते हैं। जब बायर ज़्यादा होंगे, एक अनार 100 बीमार, दैट इज मोनोपोली, वहाँ पर व्यक्ति अपनी मन मर्जी चलाता है। फुल कंपटीशन जहाँ पर सेलर एंड बायर दोनों की कंडीशन बराबर होती है, वहाँ पर फुल कॉम्पिटिशन होता है। तीसरा बिंदु जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेसिस ऑफ कंपटीशन। बेसिस ऑफ कंपटीशन जो है, बेसिस ऑफ कंपटीशन मतलब इसमें पहले लाइसेंस लिया जाता था, LICENC, पहले लाइसेंस और कोटा सिस्टम था, लाइसेंस और कोटा सिस्टम था, जबकि यहां पर कैपेसिटी सिस्टम हो गया। पहले बेसिक ऑफ कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, कोटा सिस्टम था, ज़्यादातर व्यवसाय ज़्यादातर बिजनेस ऐसे थे जहाँ पर बिना लाइसेंस के आप कारोबार नहीं कर सकते, और बिजनेस के अंदर भी कोटा सिस्टम लगा होता। कोटा सिस्टम मतलब है एक फिक्स थी कि आप इतना यूनिट ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद इसको चेंज कर दिया गया और ये कर दिया गया कैपेसिटी, कि आप में जितनी कैपेसिटी है आप उतना प्रोडक्शन कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। तो ये बदलाव किया गया है LPG के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो यहां पर उद्देश्य था मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां उद्देश्य बन गया सेटिस्फैक्शन। अगर हम LPG से पहले की बात देखते हैं तो पहले एक ही उद्देश्य होता था, क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो LPG के बाद में ये बदलाव आया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, सेटिस्फैक्शन ग्राहकों की सेटिस्फैक्शन पर भी जोर दिया गया, ठीक है। और ये बदलाव किससे आया, ये बदलाव आया LPG से। बात करें टेक्निक की, टेक्निक की बात करें तो यहां पर जो पहले टेक्निक थी वो पहले टेक्निक थी ट्रेडिशनल, लेकिन अब यहां पर टेक्निक आ चुकी थी मॉडर्न। क्यों, ऐसा क्यों कि पहले टेक्निक ट्रेडिशनल थी, क्योंकि पहले हम ग्लोबलाइज नहीं थे, पहले हमारे पास विदेशी कंपनियां विदेशी फर्में भारत में नहीं आती थी, तो हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। हमारे यहां पर टेक्निक पुरानी डिसिप्लिन तकनीकी काम में ली जाती थी, लेकिन जब विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, विदेशी कंपनियों को ओपन कर दिया गया, पूरे भारत में आप कहीं पर भी आगे कारोबार कर सकते हैं, भारत का जो सेक्टर है वो फॉरेन कंपनियों के लिए ओपन कर दिया गया, तो जब विदेशी कंपनी भारत में आती है तो अपने साथ में टेक्निक भी लेके आती है। तो इसलिए टेक्निक में चेंज हुआ, पहले ट्रेडिशनल टेक्निक चलती थी लेकिन अब टेक्निक कैसे आ गई, मॉडर्न टेक्निक। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं बिजनेस के ऊपर और आपके मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये तो इसका इम्पैक्ट हो गया कि LPG का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, और LPG के इम्पैक्ट से
बिजनेस बढ़ा, बिजनेस वर्ल्ड वाइड हो गया, नई नई टेक्निक्स आ चुकी थी, काम करने के तरीके बदल चुके थे, और जो बिजनेस पहले एक गली मोहल्ले तक सीमित था वो बिजनेस अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर फैल चुका था, छा चुका था। तो ऐसी कंडीशन में अब हम इसका सेकंड वे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बिजनेस। कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बिजनेस के रूप में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है ओवरकमिंग कंपटीशन। बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस वहां ज्यादा बढ़ गई जहां पर कंपटीशन कैसा हो गया ओवरकमिंग, गला काट प्रतिस्पर्धा जो बाजार में फैल गई उस गला काट प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए हमें नीड हो गई मैनेजमेंट, कट थ्रॉट कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, उस कंपटीशन से निपटने के लिए हमें नीड हुई मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि अंडर सच कंडीशन इस कंडीशन में हमारे सामने क्या मुसीबत थी, हमारे सामने मुसीबत थी कि हाउ टू डेवलप। बच्चों मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन से विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए हो गया, तो आपस में मारामारी कंडीशन हो गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, और उस प्रतिस्पर्धा में हमारे सामने सबसे पहली कंडीशन थी हाउ टू डेवलप, हमें अपने आप को विकसित कैसे करना है, हाउ टू फेस। जो विदेशी कंपनियां आ रही है हमें उनको कैसे फेस करना है, जो विदेशी टेक्नोलॉजी आ रही है हमसे उसे कैसे लड़ना है, हाउ टू क्वालिटी प्रोडक्शन। हमें कैसे उन्हें अच्छी से अच्छी चीज देनी है, हाउ टू क्वालिटी प्रोडक्शन। हमें कैसे अच्छी से चीज बनानी है और हमें कैसे उनसे चीपेस्ट वे के अंदर बात करनी है। ये हमारे सामने कुछ कंडीशंस थी जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हमें मैनेजमेंट को मानना ही पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट पर वर्क करना ही पड़ेगा, हमें इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समय बदल चुका था, 1991 के बाद जो हम ग्लोबलाइज्ड हुए उस ग्लोबलाइज्ड में हमारे सामने प्रॉब्लम थी कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था, और उस कंपटीशन में प्रॉब्लम थी हाउ टू डेवलप, हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, हाउ टू फेस, हम विदेशी कंपनियों से कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे उनकी बराबरी कर पाएंगे, हाउ टू क्वालिटी प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी के बराबर कैसे हम अपनी क्वालिटी दे पाएंगे, और चीपेस्ट मैनर, और हम कैसे अपनी चीज को सस्ते से सस्ते रूप में पेश कर पाएंगे। ये हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। दूसरी बात आती है ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी कंडीशन है ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम थी। इसके आगे भी कुछ और भी हम व्यूज पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।